सबसे बड़ा दान कौन दान है? नहीं बोलेंगे, कन्या दान। बहुत लोग कहला वीरेंद्र बाबा हमारा चार गो पांच गो बेटी बाड़ी। वीरेंद्र बाबा आज ही कहे जाता रहे, अगर रउरा परिवार में एगो बेटी भगवान ना देले बड़े तो केहू के बेटी लेके जांग पर बैठा के कन्या दान जरूर दे दे। चार गो पतो ही बाड़ी तक घर चटक ना लौकी, और दू गो बेटी अगर घर में बात तो घर हरदम रोशनी के लेका जरूरत रही। अरे बिना बेटी के घर कैसे? हमरो भी एक के लड़की बा, असो शादी देवरिये में हुआ है, मुनसब कॉलोनी में, पांडे बुक एजुकेशन आप सभी लोग जानते हैं, एक ही लड़का इनका है। शादी में कुछ मांगे तो नहीं थे, लेकिन तब वो 1.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, बहुत लंबा व्यवस्था। और बेटी के विदाई लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं तो कथा कहने में मुझे बहुत ऐसा लगता है ना, बेटी की विदाई पतो बहू भी मेरी एक आई है बड़ी वाली, दो लड़के हैं, लेकिन जो बेटी मेरी करके अपने ससुराल गई है, हम ये सोचते हैं कि जीवन में कभी कितना ही बढ़िया बना लिया जाए, लेकिन बेटी का दाह कभी बहू पूरा नहीं पाएगी। लड़की मेरी जब अपने घर रहती थी, मेरे घर, घर तो मैं गांव पर कभी रही नहीं, गोरखपुर रही है, बाहर इलाहाबाद, बाहर ही हमारे दोनों बच्चे और लड़कियां, पूरे परिवार बाहर पड़ता था। दिन भर में 2 बार 3 बार फोन कर दी, पिताजी ठीक ठाक है ना, कैसे हैं, कहीं अगर दर्द सुन ले तो भोजन नहीं करते रह। लेकिन जिस दिन उसकी विदाई होने लगी, अब क्या हम बड़ाई करें, क्या कहें ना क्या ना, हमको तो रोना रोना ही है। राजा जनक जी जिनको विदेह कहा गया है, आप लड़की पैदा करके देखना कि आत्मा में भले 4 बेटियां हो, लेकिन बेटी जो पिता के लिए कर देगी, माता के लिए कर देगी, ले ये रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, भविष्य में कभी अपनी बहू नहीं कर सकती है। महाराज राजा जनक जी अपनी सीता के जब जांग पर बैठौले, उर्मिला के जांग पर बैठावल गई, आज जब बेटिन के हाथ दमादे के धरावल जाला, महतारी के दर्द ओजुनाई होई जहां भी आता है भैल बा, महतारी के दर्द नहीं होई तिलक गई बा, महतारी के दर्द खबो ना होई जब बरात आइल बा, डाल सहाना आइल बा तबो दर्द ना होई, लेकिन बेटी के हाथ जब दमादे के धरा के पानी गिरा भैल जाला, पत्थर का करेजा होगा उसके भी आत्मा में दर्द होगा महाराज, कि आज मेरी बेटी दूसरे की हो गई। बेटी बेटी है महाराज, चाहे आपकी लड़की हो चाहे हमारी लड़की हो। एगो परिवार में एगो लड़की जाए लागल तो मोहल्ला के लोग कहले अपना वो लड़की के भाई से बताऊ, तोर माई रोवत या ठीक बाऊ पैदा कैले रहलिया, तोर बाप रोवत या ठीक बाऊ अपना बेटी के मंत्र ले, तू काहे रोवत तड़ा? आप लोग बताइएगा, महतारी पिता और भाई तीन लोग होते हैं खास, सबसे ज्यादा कष्ट परिवार में किसको होता है? नहीं बोलेंगे, नहीं माई के नहीं हुई, माई तरह तो दिन अपना बेटी के लग रहत या उकर दुख सुख तीत मीठ सब बुझती है, माई संतुष्ट बा उसे, पितो के दर्द कम हुई। महतारी से पूछल गए तू काहे रोवत रोवतड़ू, अतरा तो दिन हमारा लग सुतल बैठल सब रहल, बेटी जाती है तो रोई ना, हमारा आगे पीछे के रही, एकरा खातिर रोवतिया। पिता से पूछल गए तू काहे रोवतड़ अत रोवा तनी, कहीं बजार से आए तो पहले वही के बुलाई भी है, गुड्डी ये डिंपल ए शोभा, पहले ही पैंट टांग दे कपड़ा टांग दे हमें सामान वाली कार ले, कल से के बुलाए एकरे खातिर। लेकिन वो भाई से पूछल गल कि तू काहे रोवा तड़, तू तो अपना बहन के झोटा करत रहला मारत रहला कुल कुल करत रहला। भाई बिलक के कहलस कि हम एकरे खातिर रोवा तनी, आज ले जितना बेर हमरा बहिन से झगड़ा भइल बा कबो हकीकत झगड़ा ना भइल बा, हमरो बार हमार बहिन पकड़त रहलिया, हमहु ओकर झोटा पकड़त रहलिया,
हमके दो मुक्का मारी तो एक मुक्का हम मारब जो बहिन ह कोनो खेल में हार जाई तो कह बहिन मार जीतल बा आई जितना झगड़ा बवाल हम लिख रहा उ खाली देखौटी रहल अंदर से कबो अपना बहिन से रुष्ट हो के ना मरले बनी आज ही रोवा तनी की जौन बहिन के इतना आदर लार प्यार दिहल गई आज वो बहिन हमारा घर से जाती है परिवार में अगर पूछिए तो सबसे ज्यादा दर्द भाई का होता है अगर भाई है तो भाई है तो अभी हाले एगो प्रोग्राम रहुरा बिहार में कैली हाँ बाबू साहब रहले और पति खरब पति और लड़किया के बेटा से ज्यादा इज्जत कैले रहले दू गो बेटा उनका रहले लेकिन लड़किया आई तो भयो के पकड़त नहीं क्या केहू के ना फोटुआ जहां धैल है यही तरह उनके कजिया में गैल कथा कहे फोटुआ के लगवा बहिनिया गिर के लड़किया और रोए लागल मजबूरन हमरा एगो गीत पर लिखे पड़ल दू लाइन के गीत लिख ली उ लड़की अपनी मुंह से हमसे कहत कि बाबा आज हमारा दू दू गो भाई बड़े दू गो भौजाई बड़ी माइयो हमार जियतिया हमारा घर भर बा लेकिन आज हमारा उतना कष्ट बा कि हमारा धरती पर आज केहू नहीं बा कहली काहे खातिर त कलस पापा जितना हमके जानत रहले हो ये धरती पर केहू ना जानी दू लाइन लिख ले सगरी आरे भरल पूरन पूरा परिवार लागता परिवार लागता एगो पापा के बिना एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता रहले महल के पाया पापा रहले महल के पाया रखले तीनहू जनी पे दाया रखले तीनहू जनी पे दाया जितना नेह छा सुखया टल भरल पुरल पूरा सगरी भरल पुरल पूरा परिवार लागता परिवार लागता एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता सगरी भरल पुरल पूरा परिवार लागता एगो पापा के बिना घरवा जो उन्हें लड़की से ज्यादा लगाव अपना पिता से है ना सब धन है परिवार में लेकिन पांच दिन पापा परिवार में ना है तो लड़की को भोजन अच्छा नहीं लगेगा कथा को बड़ा ध्यान से सुनिएगा आखिरी लाइन हम बताने चल रहे हैं राजा जनक जी जब जांग पर बैठौले बेटी के आ सीता जब अखबारी में पकड़ के रोए लगली ये रामायण का रिकॉर्ड टूट गया कि जे के विदेह कह गल कोनो देही से मतलबे ना ते अपनी सीता खातिर फपक फपक के रुवता मारा सबसे बड़ा कन्यादान कन्यादान ये जो भइल कन्यादान के बाद सिंदूरदान बियाहवा भइला के बाद बरतिया एक महीना जो ध्यान में रहल बा
और राम जी रोज कहे कि महाराज विदाई करी हम जाए, लेकिन गैला के विदाई होत नहीं है। एक दिन माता मैना कहली, सुनैना कहली कि रउरा से एक निवेदन बा, राम जी से कहली कि रउरा दमाद नहीं है, रउरा हमार भगवान है, हमरा बेटी के कबो जीवन में कष्ट न होखो। रउरा ये बताई, सीता के जितना आदर के साथ धूमधाम से बियाह भइल, सीता जितना कष्ट सहले बड़ी कोई लड़की सहेगी? सहेगी? ससुरा जब से गइल बड़ी तब से नैहर में कबो आइल बड़ी? कबो ना, प्रमाण है, पृथ्वी में प्रवेश कर गई लेकिन कभी दोबारा अपने नैहर में मैके में नहीं गई। महाराज नारी का जीवन की कथा बड़ा लंबा है, अब तो प्रसंग पर प्रसंग जब आता जाएगा तो अयोध्या कांड के आगे जब कथा में बढ़ेंगे तो आप तो खुदे कहेंगे कि वीरेंद्र बाबा आपने क्या बोल गया महाराज, बड़ी अच्छी कथा। अब ये जो सिंदूर दान वाली बात हम कहब, आनंद आनंद आज तरौरा खाली सुबह हो बोलो, सब लोग सुबह हो बोलेंगे कस के, कि आनंद आनंद आज सुबह हो, सभी लोग सुबह हो बोलेंगे, आनंद आनंद आज। अभी आवाज नहीं आया, थोड़ा और कड़ा करने दो, आनंद आनंद आज और कस के, सुबह हो, सुबह हो जो कहेंगे केवल मंगल आपके घर में होगा, अब मंगल कभी नहीं होगा। मंगल करने के लिए आवाज दिया जा रहा है, सभी लोग बोलेंगे कि आवर आनंद आनंद आज। अब आया है आवाज, आनंद आनंद आज आनंद आनंद आज सुबह हो, आनंद आनंद आज सुबह हो, गैया के गोबरा मंगायो सुबह हो, गज मोती चौका पुरायो सब मंगल लगायो सुबह हो, जगमग दियना जरायो सुबह हो, जगमग दियना जरायो सुबह हो, मंगिया में सिंदूरा लगायो लगायो सुबह हो, आनंद आनंद आज सुबह हो, आनंद आनंद आज सुबह हो, आनंद आनंद आज सुबह हो। बोल दिए जो अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, चारों बहनों की, चारों भाइयों की, श्री दशरथ जी महाराज की, श्री सदानंद जी महाराज की। अब निवेदन।